दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति सांप को मारता है या उसे किसी प्रकार से कष्ट देता है, अगले जन्म में उनकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति को जीवन में बार बार कठिनाइयों का सामना और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन्हें मारना नहीं चाहिए। दोस्तों तब क्या हुआ होगा जब 5 साल के बच्चे को डूबता देख बचाने चली आई खुद इच्छाधारी नागिन। दरअसल दोस्तों ये घटना घटित हुई हरियाणा के रोहतक शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव घिलौर में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि बहुत ही पुराने टाइम में एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गांव में बस गई थी। इस गांव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों को अपने घरों से निकलना तक मुश्किल लगता था। एक दिन उसी नागिन ने इस गांव के सरपंच को सपने में दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि क्या हुआ, तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उसे सपने में कहा कि तुम लोग घबराओ मत, आज से मैं इस गाँव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक गायब हो गई और सरपंच की आंख खुल गई। जब सरपंच की नींद खुली तो वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, उठकर अपने परिवार वालों को सारी बातें बताई। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने ये पाया कि जहाँ पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब नहीं दिख रही है। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरपंच जी के सपने में सचमुच में नागिन आई थी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब है। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया कि इस तालाब से निकली हुई उस नागिन को बहुत सारे लोगों ने इंसानी रूप में देखा है और वो इंसानी रूप इतना ज्यादा खूबसूरत है कि कोई इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों नागिन ने कहा था कि सही समय आने पर वो इस तालाब से बाहर जरूर आएगी, इसलिए गांव वाले उस तालाब के पास तक जाने से डरते थे, वहां कोई नहीं जाता था। खैर दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों 200 साल बाद एक हैरान कर देने वाली घटना गुरतेज सिंह नाम के व्यक्ति के साथ घटित हुई, जिसने नागिन के आज भी उस तालाब में होने के सबूत दिए। दरअसल दोस्तों गुरतेज सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका एक 5 साल का बेटा था। गुरतेज सिंह की एक तालाब के किनारे 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। गुरतेज सिंह महादेव के परम भक्त थे, वो बचपन से ही महादेव की भक्ति करते आ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने खेत के किनारे जो कि तालाब के पास था वहां पर खुद एक शिवलिंग बनाया। खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते। लेकिन दोस्तों गुरतेज सिंह के खेत के पास जो तालाब है वो काफी पुराना था। उसके बारे में कई बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि वहाँ एक इच्छाधारी नागिन सालों से रहती है। कई लोगों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते भी देखा है, इसी कारण किसी की हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं हो पाती थी। परंतु दोस्तों गुरतेज सिंह ने नागिन के बारे में सिर्फ सुन रखा था, उन्होंने आज तक उस तालाब के पास उस नागिन को कभी देखा नहीं था और इसलिए उन्होंने सारी बातें अफवाहें मान ली थी और कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। परंतु एक दिन भारी दोपहर में जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई। गुरतेज सिंह की पत्नी आज से पहले कभी भी अपने बच्चे को खेतों में लेकर नहीं गई थी, लेकिन दोस्तों उस दिन वो बहुत ही जिद करने लगा जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपने बच्चे को साथ लेकर आना पड़ा। खेत में आकर इनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। गुरतेज सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है। बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबा जा रहा था कि तभी अचानक तालाब में हलचल हुई और एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैर के उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुंची और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। गुरतेज सिंह की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में लिया और रोने लगी, क्योंकि दोस्तों उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती।
गुरतेज सिंह ने वो सुंदर स्त्री को धन्यवाद कहा, तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक से गायब हो गई। गुरतेज सिंह और उनकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देख हैरान थे। तभी गुरतेज सिंह को लोगों के द्वारा बताई गई उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सभी बातें याद आने लगी और उसे अब ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं बल्कि उसी इच्छाधारी नागिन ने बचाई है जो सालों से इस तालाब में रहती थी। दोस्तों, जब ये घटना गांव के बाकी लोगों को पता चली तब उन्हें यकीन हो गया कि नागिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जो भी महादेव के भक्त हैं सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय महाकाल। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।